हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 100 एमसीक्यूज कराने वाला हूं। आज यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद मास्टर फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं यहां से। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, नेम ऑफ द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल। शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो हमारी फिलोसफी है उसको किस नाम से जानते हैं। आंसर इज बी, प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म से एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने करी, इसके फाउंडर कौन है, इन्वेंटर कौन है, किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। वो हैं आपके जॉन डेवी, ये फिक्स क्वेश्चन है। रियलिज्म के इन्वेंटर, फादर, पिता जो भी है, अरस्तु। फिक्स क्वेश्चन, छोड़ेंगे नहीं। अब एक और क्वेश्चन बनता है अस्तित्ववाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद करना है। इसके फाउंडर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, रियलिज्म को क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, इन हुज हॉनर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जी, हम बोल सकते हैं कि वो ओलंपिक होते थे प्राचीन ओलंपिक, वो किस देवता के सम्मान में, किस देवता को खुश करने के लिए ओलंपिक किए जाते थे, वो थे जीएस। 776 बीसी में इनकी शुरुआत हुई और 394 एडी में थियोडियस नाम का एक राजा, जो कि रोम का रहने वाला, रोम या ग्रीक साम्राज्य हम बोल सकते हैं, उन्होंने बंद करवा दिए। अगर 394 एडी नहीं मिलेगा, 393 और 94 एडी ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो वो भी सही है, परेशान नहीं होना, याद रखना इस बात को। यस, आगे बढ़ते हैं हम कि मॉडर्न ओलंपिक तो पता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में हम बोल सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आप सब लोग जानते हैं, एक तो एनआईपी को जानते हैं जो कि ग्वालियर में, और उसके बाद हम बात करें तो ये तो है ही नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। YMCA एक इंस्टीट्यूट है, ये भी नहीं है। ये क्या है, ये TNPES यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो हमारा ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज बी, ए और सी, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब लोग जानते हैं कि एनआईपी की शुरुआत 1957 एमपी के ग्वालियर से हुई थी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है TNPES यूनिवर्सिटी, इसकी शुरुआत कब हुई, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो भारत की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका भी जवाब देना, कमेंट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ऑफ इंडियन एथलेटिक स्क्वेयरिंग मेडल ओनली इंडिविजुअल इवेंट्स इन ओलंपिक्स। मींस ओलंपिक में गए, इन्होंने जो है एक मेडल हासिल किया, और एक सीक्वेंस वे में हम बोल सकते हैं उनकी जो सन है, कौन सन में उन्होंने शुरुआत करी। तो अभिनव बिंद्रा नहीं, पहले थे लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिएंडर पेस ने जो है 1996 में लिया था मेडल। फिर उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में, उसके बाद अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में। यस, नेक्स्ट रट लेना, छोड़ना नहीं, और आपको मिलने वाला ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओलंपिक की बात चल रही है तो और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। 2012 के ओलंपिक आपको पता है लंदन, 2016 रियो, 2020 या 21 टोक्यो, 2024 पेरिस होने वाले हैं, 2028 यूएसए लॉस एंजलिस,
2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम शॉर्ट में ओजेड के नाम से जानते हैं। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, और इसमें से 100% मिलने वाला है आपको, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जो कि आपको मिलेगा एग्जाम में। जो लेंडर पेस है ना, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इंडिया के जाने माने, इन्होंने एक अच्छा नाम कमाया लेंडर पेस ने। और टेनिस जो गेम है, इसका ओरिजिन से भी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, तो वो है आपका इंग्लैंड से। अब टेनिस जो गेम है, टेनिस आप सब लोग जानते हैं, इसमें एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, चारों टूर्नामेंट के करंट में निकाल के रख लो किसने अभी हाल ही में जीता है, ये आपको मिलने वाला है करंट से, याद रखना। विंबलडन जो है एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जो कि ग्रास पे खेला जाता है। टेनिस की सबसे पुरानी जो है प्रतियोगिता मानी जाती है, हम ग्रैंड स्लैम में अगर हम बात करें तो सबसे पुराना विंबलडन है, जो कि इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है, इंग्लैंड के अंदर लंदन में खेला जाता है। ये फिक्स क्वेश्चन है, याद रखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में नहीं आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, हार्ट रेट इज डिफाइंड, जो हार्ट रेट होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, आंसर इज डी। अब मैं हार्ट की बात करूं, आप सब लोग जानते हैं हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, फिक्स क्वेश्चन है, सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। हार्ट की जो सबसे थिक मसल होती है, हम बोल सकते हैं मोटी जो मसल होती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम जो होती है इसी को हम हार्ट मसल बोलते हैं, हार्ट मसल बोलते हैं। और वैसे एक्चुअल में हार्ट का जो मसल की टाइप्स की बात करें तो वो आपकी किस टाइप की है, वो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल है। और कार्डियक मसल जो है ये डिपेंड रहती है ANS पर, ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसी ANS होता है, PNS होता है, तो सबके अलग अलग फंक्शन है। तो जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है ANS। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवॉलंटरी, जो अपने आप चल रहे हैं, जैसे आँख है, जीभ है, पेट है, छोटी आँत, बड़ी आँत, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये सब अपने आप कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं आप चला रहे हैं उनको, जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा पेन चल रहा है, तो वो जो हम खुद चलाते हैं इसको हम बोलते हैं ऐच्छिक, इच्छा से चलती है, वो करवाती है कंट्रोल CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो अपने आप चल रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकॉन्शियस कंडीशन में हम ऐसे बोल सकते हैं, तो उनको करवाती है ANS। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आ जाओ, वन डे एग्जाम में नहीं आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नी जॉइंट फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग बोन। अब आपको पता है ये है आपका, मैं सही से थोड़ा सा बना देता हूँ, ये आपकी एक फीमर हम बोल सकते हैं, एक बोन हो गई, और ये आपकी, और एक और हमने पतली सी साइड में ले ली, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं दोबारा से इसको सही कर देता हूँ, यस ये हमने ले ली। अब आपको पता है यहाँ पर एक गोल बोन रखी रहती है, चलो भाई वो भी हमने बना दी, बहुत इजीली तरीके से समझाऊँ, हर टाइप के क्वेश्चन कवर एक ही में। नी ज्वाइंट जो है, इन्होंने बोला है कि नी ज्वाइंट जो होता है वो किन किन हड्डियों से मिलकर तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले आती है फीमर, फीमर, और इसी को हम बोलते हैं थाई बोन, और इसी को बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी अगर बोन है तो वो फीमर है, जो कि थाई बोन उसको हम बोलते हैं, ठीक, ओके, तो थाई को हम कर देते हैं फीमर नंबर ए। उसके बाद आती है टिबिया, ये आपकी टिबिया, चलो भाई टिबिया, डिबिया नहीं होती, टिबिया होती है, आप डिबिया नाम मत करना, टिबिया। अब टिबिया जो बोन होती है इसी को हम शिन बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिन बोन, ये जो है सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, पहले नंबर पर फीमर,
दूसरे नंबर पर टिविया, तो टिविया देख लो, ए और बी ऑप्शन में हम देखेंगे, इसको हम कर देते हैं रफ, ए और बी हम ऑप्शन में देखेंगे टिविया। तो ए और बी, चलो इसमें ए है भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब आपको पता है नी जॉइंट जो तैयार किया जाता है तो टिबिया, फीमर और पटेला बोन से होता है, बट यहाँ पर पटेला नहीं है तो यहाँ पर फिबला दे रखा है। तो ए दो तीन मीन्स फीमर टिबिया, हम बोल सकते हैं कि फीमर और टिबिया और फिबला को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ए बी एंड ई, ऑप्शन हमारा ए हो गया। अगर यहाँ पर फिबला नहीं होता और यहाँ पर पटेला होता तो राइट आंसर होता, क्योंकि तीन बोन से तैयार किया जाता है आपका नी जॉइंट, और नी जॉइंट जो है आपका लॉन्गेस्ट हम जो बोल सकते हैं, लार्जेस्ट बोल सकते हैं इसको, मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर जॉइंट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, वो नी जॉइंट है। और नी जॉइंट जो होता है इसके अंदर जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, और इसी को नी जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। और याद रखना जो हमारे नी के अंदर हम बोल सकते हैं जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दोनों मूवमेंट जो है सजाइटल प्लेन में होता है, सजाइटल प्लेन में होता है। नोट कर लेना, जितने भी आगे के और पीछे के मूवमेंट हैं वो सजाइटल प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आगे बढ़ते हैं हम, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा, 7 क्वेश्चन, स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर आर करेक्टरिस्टिक्स बाय, मीन्स हम बोल सकते हैं कि स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर है उसकी क्या विशेषता है। तो पहले हम स्लो ट्विस्ट को समझेंगे। स्लो में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया स्लो में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हम स्लो की जगह हम स्लो ले लिए, स्लो को हम बोलते हैं रेड मसल्स फाइबर। अभी हम समझेंगे, एक स्लो के बाद एक होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर, फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कम रहता है। तो अब ग्रेट क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें रहता है, स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर की क्या विशेषता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्शन भी हमें देखने होंगे। यस यस, तो इसमें ग्रेटर क्रेब साइकिल एंजाइमेटिक कैपेसिटी, बिल्कुल बी इसमें होता है, चलो ऑप्शन बी ले लिया। उसके बाद लो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है, बिल्कुल देखो इसमें बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जो फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर होते हैं उनकी जो कंडक्शन की प्रक्रिया होती है, मीन्स नर्व कंडक्शन की प्रक्रिया, मतलब हम बात करें जो रिएक्शन टाइम है, रेस्पॉन्स टाइम है, वो फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर का बहुत ज़्यादा क्विकनेस होती है। जितने भी एथलीट होते हैं उनका स्टार्ट देखना विस्फोट बम्ब की तरह जो एकदम जो रिएक्शन करते हैं, वो स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर वाले जो होते हैं वो बहुत स्लो स्लो आराम आराम से करते हैं। तो इनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ ज़्यादा होती है, और वाइट वालों के पास कम होती है। तो स्लो को हम रेड बोलते हैं, स्लो को हम रेड बोलते हैं, और जो जो फास्ट होता है, जो फास्ट होता है उसको हम वाइट बोलते हैं। मैंने हर क्वेश्चन बता दिया आपको जो आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वंट्री एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रैम्प आर कॉज बिकॉज ऑफ, मींस जो क्रैम्प होती है, आपने पता है कि खेल जब हम खेलते हैं तो मसल खींच जाती है, कमर खींच जाती है, हैमस्ट्रिंग खींच जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का यहाँ पर एकदम हम बोल सकते हैं एक एक्यूरेट आंसर नहीं है जो होना चाहिए, बट हम उसके नियर अबाउट समझ के हम उसको लगाते हैं, मीन्स है वही है मगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो है लैक ऑफ फ्लूड। फ्लूड का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर एक इंट्रा सेलुलर फ्लूड होता है और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। आप बोलेंगे ये क्या होता है,
इंट्रा सेलुलर फ्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फ्लूड्स जो हमारी बॉडी में कहते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। अब फ्लूड का मतलब होता है, यहाँ पर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स जब आते हैं, जब आपको H2O मींस हाइड्रोजन ऑक्साइड जल जिसको हम बोलते हैं, सोडियम K4 पोटेशियम, अगर ये कमी होती है आपके शरीर में तो आपकी बॉडी के अंदर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कम हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर वाटर जो है, हम बोल सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर इम्बैलेंस कर देते हैं, और इम्बैलेंस जब कमी हो जाएगी आपके शरीर में इन जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब ये मिनरल्स हमारे शरीर में कम हो गए, जैसे आप खेल रहे हैं खूब दबा के पानी नहीं पी रहे हैं तो आप जानते हैं स्वेटिंग निकलेगा, तो स्वेटिंग में क्या निकलता है NaCl सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा निकल रही है, पानी भी निकल रहा है। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे तो बॉडी में वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब संतुलित नहीं है। तो जब फ्लूड की कमी हो जाएगी आपके शरीर में तो आपकी मसल खिंच जाएगी, कमर हैमस्ट्रिंग ये वो। तो ओवरऑल ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा नाइन एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीक मीन्स खिलाड़ी की वह योग्यता किसी प्रतिरोध के प्रति लड़ने के बावजूद भी और वो लगातार कार्य कर रहा है, ऐसी कंडीशन को, ऐसी एबिलिटी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्ट्रेंथ हमारी तीन प्रकार की होती है, स्ट्रेंथ दीज आर थ्री टाइप्स। सबसे पहले हम बात करें, यहां पर ले लेते हैं हम एक्स, यहां पर ले लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तीसरे नंबर पर लेते हैं हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वन टाइम में पूरी जान लगा दो, कंसंट्रेटेड एफर्ट। एक्सप्लोसिव में क्या होता है, इसमें आपकी स्पीड होगी और प्लस स्ट्रेंथ होगी, और ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर का स्टार्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोसिव, विस्फोटक शक्ति। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है जब आप ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं हिल स्टेशन पर, जब आप हिल स्टेशन पर जाते हैं साइकिलिंग करते हैं, जितना भी हिल स्टेशन पर जाने का प्रयास करोगे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल के खिलाड़ी को एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ती है, याद रखना। अब मैक्सिमम की किसको जरूरत पड़ती है ये तो जवाब दे देना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा यस 10 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको मैं कई सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई थेरेपेटिक एक्सरसाइज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, मतलब थेरेपेटिक जो एक्सरसाइज होती हैं वो हमारी बॉडी को हम बोल सकते हैं रेमेडीज में काम करती हैं, रिहेबिलिटेशन में काम करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो एक होती है एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और एक होती है पैसिव। एक्टिव पैसिव का हम इस्तेमाल करते हैं। प्लायोमेट्रिक क्या है? एक मेथड है जो कि स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, ये एक मेथड है जो कि स्ट्रेंथ को डेवलप कर, स्ट्रेंथ कौन सी वाली? एक्सप्लोसिव वाली, एक्सप्लोसिव वाली। प्लायोमेट्रिक की बात करें जैसे सीढ़ियों पे आप जंप कर रहे हैं, अप डाउन कूद रहे हैं आगे पीछे, अब एक्टिव पैसिव हो गया ये, तो इसमें देखो हमारा बी और डी होना चाहिए, बी और डी ऑप्शन सी हो गया। अब डी ट्रैम्पोलिन क्या होता है? ट्रैम्पोलिन एक जिम्नास्टिक में एक स्किल है, स्किल मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक अपने आप में एक गेम है, ट्रैम्पोलिन एक ट्रेम्पोलिन एक अपने आप में गेम है, इतना बड़ा डबल बेड की तरह एक ट्रेम्पोलिन होता है और उसमें हम जो है जंप करते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो जिमनास्टिक की भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया। अब जिमनास्टिक आ गया तो ये भी बताए थे, जिमनास्टिक से क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%। जिमनास्टिक में मेन्स कैटेगरी में आर्टिस्टिक में 6 इवेंट्स होते हैं और वीमेंस में हम बात करें 4 इवेंट्स होते हैं, रट लेना। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि बैलेंस बीम जो है किस खेल से संबंधित है? जिमनास्टिक, और कौन खेलता है? महिला। आगे बढ़ते हैं, हर तरीके का क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पेपर जो है इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इसमें जो है हमारा 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में पूछा है गोनियोमीटर जो है फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, बिल्कुल राइट। स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी को, राइट। डायनोमीटर एंगल ऑफ पुल, नो, ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, स्ट्रेंथ को, डायनोमीटर जो है स्ट्रेंथ को। और सिग्नोमीटर मेजर ऑफ हार्ट रेट, नोट, बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों सही है, हमारे ऑप्शन ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। अब उसके बाद गोनियोमीटर जो है ये है आपका एंगल जो है दो हड्डियों के बीच में एंगल कितना बनना है उसको भी मेजर करता है, गोनियो, गोनियो मतलब होता है हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। गोनियो की हम बात करें, ये स्पेशल जो है एक ज्वाइंट से रिलेटेड वर्ड है, याद रखना इस बात को, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आफ्टर स्पोर्ट्स इंजरी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी इंक्लूड। जब इंजरी होती है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्राइस, लो भाई, पी मतलब प्रोटेक्शन, आर मतलब रेस्ट, तो आर मतलब रेस्ट, रेस्ट का है हमारा ये है, एफ होना चाहिए, चलो एफ इसमें, आई, आई मतलब आइस, या सी होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, या तो शुरुआत से एंड से इसमें कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन में एरर है। तो बस मैं इसको बता देता हूँ पूरा, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन, ई मतलब एलिवेशन। तो ये जो है एक हम बोल सकते हैं जब इंजरी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्रेन, स्प्रेन इंजरी जो होती है, स्प्रेन इंजरी, इसमें भी हम प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लेना। अब स्प्रेन इंजरी जो होती है ये लीगामेंट इंजरी है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर है आर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या करना है, असर्जन वाले रीजन वाले क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी जो है एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर व्हेन इट्स वेट इज ग्रेटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर, कहने का मतलब है ये मैंने एक आदि बना दिया। चलो इसको क्लियर करते हैं, अगर हमारी सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर की तरफ होगी तो हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, इसने यही बोला है। किसी वस्तु की स्थिरता तभी अधिक होती है जब इसका भार अधिक हो, चलो हम भार अगर वेट अधिक है तो हम जानते हैं स्टेबिलिटी अच्छी होगी, बट उसका गुरुत्व केंद्र जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ है तो वो कभी स्टेबिलिटी नहीं कर सकती, बैलेंस नहीं करती, इक्विलिब्रियम नहीं कर सकती। तो पहला इसको काट दो, स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर व्हेन वेट इज ग्रेटर, वजन तो ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोअर है, हम इसलिए हम बार बार पर डिस्कस करते हैं कि फीमेल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे होता है, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इक्विलिब्रियम अच्छा होता है फीमेल्स की हम बात करें, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी डाउनवर्ड होती है, रट लेना, छोड़ना नहीं है। तो पहला गलत है हमारा, दूसरा सही है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि मुझे याद आ रहा है, हम बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस, तो बैलेंस हमारा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन नहीं चार चीज़ों पर। सबसे पहला बैलेंस की हम बात करें तो डिपेंड करता है आपकी सीजी, तो ये तो आपकी कॉमन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद है हमारा इंडो लिम्फ फ्लूइड जो कान में भरा रहता है, फिर उसके बाद है हमारा साइज, और उसके बाद है हमारा नेचर, मैं हम बोल सकते हैं उसका साइज जो बेस है वो, ठीक है ना। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजी और इंडोलिम फ्लूइड। इंडोलिम फ्लूइड जो है आपके ईयर में भरा रहता है, कान में भरा रहता है, जो कि बॉडी बैलेंस का काम करता है। एक और चीज़ बताना भूल गया कि बैलेंस तो करता ही सारी चीज़ें, ये एक्सटर्नल सोर्स हैं हमारे, मगर एक है जो इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन, वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन है जो हमेशा बॉडी बैलेंस में अपनी मदद करता है, हेल्प करता है। ये तो सब एक्सटर्नल सोर्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हर जगह आप जानते हैं अप्लाई की जाती है, बट इंडोलिम फ्लूइड और ये जो एक हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल वर्ड हैं,
फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। अब इंडोलिम फ्लूड कान में भरा रहता है, कान में कोई चांटा मारता है, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, बोलते हैं कान का पर्दा फाड़ दिया, मीन्स जो फ्लूड है वो हिल जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो हिल जाता है, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये वेस्टिबुलर सेंस है उसको बैलेंस करने का काम करता है। याद रखना इस बात को, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन याद आ गया, चलो अगर मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बैलेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक बैलेंस और एक होता है हमारा डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस, दीज आर टू टाइप्स बैलेंस, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि सर तैयारी बहुत जो है अच्छी नहीं है, अभी हमारे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को स्ट्रांग पावरफुल बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब वो भी असर्जन रीजन वाला ही क्वेश्चन है। आपको पता है एंजाइटी हेल्प टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बिल्कुल, अगर चिंता नहीं होगी तो परफॉर्मेंस बढ़ ही नहीं सकता है, बट साइकोलॉजी में चिंता को एक लेवल पर रखा गया है, एंजाइटी को एक लेवल पर रखा गया है। मॉडरेट एंजाइटी हेल्प इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऑप्टिमम एंजाइटी की बात करें, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा इतनी रखते हैं जिससे हमारे परफॉर्मेंस पर कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो हमारा हो जाएगा इसमें, दोनों तो ठीक हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ठीक हैं, बट एक्सप्लेनेशन में हम बात करें तो ये राइट जो आर जो है एकदम श्योरिटी के साथ माना जाएगा 99%, बाकी ये 80% है। एंजाइटी की चिंता कॉमन बात कर रहे हैं हम, आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, यस 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच करना है। देखो मैंने ये पेपर इसलिए उठाया, अगर मैं सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन लेता तो मुझे एक ही क्वेश्चन मिलता, और मुझे हर एक क्वेश्चन में 5-5-6-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और 4-4-5-5 मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, तो ओवरऑल मिला के मेरी गाड़ी जो है 100 तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, ये किसके लिए करते हैं? ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जो है हम एक रिड्यूस एंजाइटी के लिए करते हैं, रिलैक्स के लिए करते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए का वन डी में है, चलो ए का वन हमारा डी में है, ए का वन डी में। अब उसके बाद मेंटल स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो हमारा हो जाएगा डी का फोर, बिल्कुल सही है। लो भाई ये इसका हो गया, ए का हमने बताया, अब उसके बाद बी का दूसरा हो गया और सी का तीसरा हो गया। इमेजरी ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा हो गया यस, इसमें डी हो जाएगा ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, रट लेना इन क्वेश्चनों को। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 16 क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लिस्ट बाय रोज। रोज के अनुसार, मतलब जो ह्यूमन हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है, एक सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं इन्फेंसी आती है, 0 से 3 साल का एक प्रोसेस माना जाता है, याद कर लेना, फिक्स क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। सबके अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग वो हैं कि 0 से 2 0 से 3, याद रखना, कन्फ्यूजन वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जो आपने पढ़ा होगा। अब इन्फेंसी के बाद अगर हम बात करें, बी ले लिया हमने, बी के बाद हमारा आएगा अर्ली चाइल्डहुड, बी ए, अर्ली के बाद लेटर आता है ई आएगा। चलो अब ई के बाद हमारा एडोलसेंस आएगा, डी आएगा, और एडोलसेंस के बाद आएगा हमारा अडल्टहुड, सी आएगा। तो किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, बी ए ई डी सी, बिल्कुल राइट आंसर। चलो भाई राइट आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में संभावना है मिलने की। ये जो एडोलसेंस जो एज होती है, इसी को हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं, इसी को हम फिजियोलॉजिकल एज बोलते हैं, इसी को हम एमसी एज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज बोलते हैं, और इसी एज को हम बोलते हैं गैंग एज। इसी में सबसे ज़्यादा अपराधी बनते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 के बाद है हमारा
18 क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि हमेशा मैंने जब भी क्वेश्चन देखा है सेट रेट नेट इस जगह पे देखने को मिलता है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन नहीं, वो दूसरा वाला क्वेश्चन, मैं उसको समझ रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। मैं बहुत ही कम क्वेश्चन को मतलब पूरा कंसंट्रेट कर पाता हूँ, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी लगती है ना कि हाँ चलो तो हो जाता है, ऐसी कंडीशन आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ लर्निंग का सिद्धांत नहीं है? रेडीनेस था, इफेक्ट था, एक्सेस था, ये फॉरगेटिंग क्या है, ये नहीं है, भूलना ये नहीं है। चलो भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैं इसको रेडीनेस समझ के वो समझ रहा था, अभी दिमाग में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा असरजा रीजन वाला है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्रॉपर इनिशिएटिव फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड स्कूल चिल्ड्रेन, कि क्या स्कूल जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वो ऐसी व्यवस्था करता है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करे और उनको अच्छी मतलब बोल सकते हैं सुरक्षा मुहैया कराए, ऐसा कुछ है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का? बिल्कुल है। अगर गंदगी होगी, एक्सटर्नल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्यों पढ़ते हैं, साफ सफाई के लिए पढ़ते हैं, कोई हमारे बीमारी हारी बीमारी ना लगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिकमेंडेड टू इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश की गई कि स्कूली बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा के खेलकूद का समावेशन किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, दोनों सही हैं, दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो ए और बी, ए और राइट इज करेक्ट। और एक्सप्रेशन की बात करें तो इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बोल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट एजुकेशन बना दिया गया, मींस कंपलसरी बना दिया गया। अब देखो कब अप्लाई होता है, कब लागू होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन एजुकेशन व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। आप सब जानते हैं शिक्षा में बच्चों के बीच जो व्यक्तिगत मतभेदों का सर्वाधिक प्रभावशाली जो पार्ट माना जाता है वो टीचिंग मेथड। जैसे अगर मैं ही आपको सड़े सड़ाए मेथड से पढ़ाऊँ या कोई पढ़ाए तो आप इस बात को जानते हैं भर भर के झूले में गाली दोगे, अरे ये वो। और मैं ही एक ऐसा मेथड लेकर आऊँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए और याद करने का तरीका समझ में आ जाए, क्वेश्चन को पुटअप करने का तरीका समझ में आ जाए, कैसे टिक करना जी आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप मतलब खुशी इतनी होगी आपके पास, चार लोगों से चर्चा करोगे। और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबके पास नॉलेज है, नॉलेज सबके पास है। हम बोल सकते हैं नॉलेज को डिलीवर करने का जो मेथड है वो सबके पास नहीं होता है, जो टीचिंग मेथड जो होता है वो सबके पास नहीं होता है। टीचिंग मेथड ही एक ऐसी स्किल है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकती है मिनिमम टाइम में, याद रखना इस बात को। तो टीचिंग मेथडोलॉजी, आप कैसे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक पेन टैप है, लैपटॉप है, कैमरा है, मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ, आने वाले टाइम पर मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, नहीं तो व्हाइट बोर्ड ले लूँगा। तो ओवरऑल जैसे बनारस में हम लंका में अकेडमी चलाते थे तो वहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड था वाइट, एक मार्कर था उससे पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा लगता था लोगों को ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें इजीली तरीके से 3D एनिमेशन में भी समझाता हूँ, जो चीज़ मान ही कर सकते थे हम वो हम यहाँ ऑनलाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है तो कहीं घाटा भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग यूजिंग कोड, मतलब हमारे पास एक वर्ड दे रखे हैं, इनको मैच करना है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है वो प्रिवेंट इंजरी एंड एनहेंसमेंट परफॉर्मेंस को करती है, हरी बीमारी में इसका क्लिनिकल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सी का ले लो पहला, चलो भाई सी का पहला देख लो भाई, सी का हमारा हो गया पहला। तो दो ऑप्शन में बी और सी में, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात को डील विद रिसर्च, ये हम जो है कई सारे वेरिएबल्स होते हैं और हम रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो बी का तीसरा देख लो, बी का सॉरी ए का तीसरा देख लो, ए का तीसरा, बिल्कुल ऑप्शन हमारा हो गया बी। इसमें सी का वन था, बी का तीसरा था, तो ये हो गया। अब हमें पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को हम छोड़ देते हैं जब हमारे दो मैच हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, बट आपको मिल जाएगा। मिनिमम कैलोरी रिक्वायर फॉर द एथलीट्स, कम से कम एक एथलीट्स को कैलोरी रिक्वायर कितनी होती है।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ही बिल्कुल एरर है। एथलीट्स कौन सा एथलीट्स की बात कर रहा है, एथलेटिक्स वाले गेम की बात कर रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एक सामान्य व्यक्ति को हम मिनिमम कैलोरी की बात करें जो है वो 2000 कैलोरी के समथिंग हमें उस पर डे चाहिए। अब मिनिमम की हम बात करें तो हम नियरेस्ट अबाउट 1500 से 1600 के बीच में हम लगा सकते हैं हमें इतनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर एलाइट बोलता, प्रोफेशनल बोलता तो फिर हम कैलोरी इनटेक है उसका ज़्यादा बढ़ा देते, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यस 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, तो वह पोटैटो। पोटैटो, अब कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं, काप्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जिसको डाइजेस्ट होने में मिनिमम टाइम लगे, कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा टाइम लगे। सिंपल का एग्जाम चॉकलेट ले लो, चीनी ले लो, गुड़ ले लो, पोटैटो कॉम्प्लेक्स में ले लो। वीट एक अपने आप में पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है, पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है जिसको पचने में, डाइजेस्ट होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, याद रखना इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि आपको ए टू जेड क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम फिक्स हैं। मैं इन क्वेश्चन को यहीं पर क्लोज करता हूँ क्योंकि आपका पेपर 12 बजे से है और ये वीडियो अगर और लेंथी हो जाएगी तो अपलोड होने में और आप तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखकर पेपर देने के लिए जाना और आपको लगता है कि सर हमारी तैयारी नहीं है, ये एग्ज़ाम तो निकल जाएगा या हो जाएगा, जो भी है, आगे प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से। थैंक यू, जय हिंद।